नमस्कार दोस्तों, जानो और सीखो कि एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में हम टेक्निकल व्यू लेंगे बैंक निफ्टी का, निफ्टी का और कुछ स्टॉक्स का जो इम्पोर्टेंट लेवल्स के आसपास हैं। दोस्तों अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिए। मैंने काफ़ी वीडियोज अपलोड कर रखे हैं इंट्राडे स्ट्रेटजीज पे, कॉल ऑप्शंस पे एक नई सीरीज आई है, उसके साथ ही म्यूचुअल फंड्स में, शेयर मार्केट बेसिक्स पे और उसके साथ ही टेक्निकल इंडिकेटर्स पे भी काफ़ी वीडियोज हैं जिसको आप देख सकते हैं, जिससे आपकी काफ़ी नॉलेज हो सकता है। दोस्तों चलिए क्विक लुक ले लेते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर और जानते हैं कि क्यों आज की क्लोजिंग इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट खोल लिया है tradingview.com पे। अब यहाँ पे देखिए, मैंने जो इंडिकेटर्स यहाँ पे ड्रॉ किए हैं वो 200 DMA या डेली मूविंग एवरेज कह लीजिए है, और यहाँ पे 100 मूविंग एवरेज है, और यहाँ चार्ट डेली है इसलिए डेली मूविंग एवरेजेस हैं। तो दोस्तों यहाँ 200 DMA और 100 DMA के मूविंग एवरेजेस बैंक निफ्टी के अगर आप ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे एक चीज़ आपको जो क्लियरली दिखेगी वो ये कि आज पहली बार निफ्टी काफ़ी दिनों बाद, मतलब कह लीजिए 2016 दिसंबर से जो बैंक निफ्टी का जो ट्रेंड था वो अपने 200 DMA से बहुत ऊपर ट्रेड कर रहा था, और आज पहली बार बैंक निफ्टी अपने 200 DMA को इंट्राडे में ब्रीच किया लेकिन क्लोज उसके ऊपर दिया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाले, अगर आप इसको बहुत ही जूम करके देखें तो यहाँ देखेंगे कि 200 DMA से नीचे गया था इंट्राडे में लेकिन वो क्लोजिंग 200 DMA लाइन के ऊपर दिया है। दोस्तों 200 DMA एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट होता है किसी भी स्टॉक के लिए, और जो स्टॉक्स लगातार कुछ दिनों तक अपने 200 DMA के नीचे ट्रेड करने लगते हैं वो वहाँ से एक ट्रेंड रिवर्सल में आ जाते हैं और लॉन्ग टर्म उनका ट्रेंड जो है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी एक इम्पॉर्टेंट इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे, जहाँ आज उसने टेस्ट किया लेकिन वहाँ से बाउंस बैक दे दिया। अब यहाँ से क्या ट्रेड बनता है बैंक निफ्टी में, इसका चलिए एक टेक्निकल व्यू लेते हैं। दोस्तों चलिए बैंक निफ्टी का एक टेक्निकल व्यू ले लेते हैं क्विकली। तो जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप जूम करके चार्ट को देखेंगे कि ये जो स्टॉक है ये अपने 200 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करके इंट्राडे में उसके नीचे गया लेकिन बाउंस बैक करके ऊपर क्लोज दिया है। इसका अगर आप लॉन्ग टर्म सपोर्ट ड्रॉ करें तो जो इसका 24818 का जो सपोर्ट आ रहा था उसके नीचे स्टॉक ने आज क्लोजिंग दी है लेकिन उसके जस्ट नीचे इसका 200 डे मूविंग एवरेज है। तो अगर ये बैंक निफ्टी अगले एक दो दिन में 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे अपने बंद होने लगता है और 24800 लेवल के भी नीचे क्लोज होने लगता है तो जो नेक्स्ट इसका लॉजिकल सपोर्ट बन के आता है वो 23988 या कह लीजिए 24,000 का आता है। तो यहाँ से एक बड़ी फॉल आ सकती है बैंक निफ्टी में अगर बैंक निफ्टी 24800 के नीचे क्लोज देना स्टार्ट किया और अपने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे भी क्लोज दिया, जो कि अभी के टाइम पे 24750 के अराउंड आ रहा है। तो उसके नीचे अगर बैंक निफ्टी गया और क्लोजिंग दी, याद रखिए इंट्राडे नहीं, क्लोज देना स्टार्ट किया, तो काफ़ी नीचे जा सकता है। सीधे 24,000 का लॉजिकल टारगेट जो बन के आ रहा है वो बैंक निफ्टी के लिए आ रहा है। दोस्तों क्विकली चलिए निफ्टी का भी एक व्यू ले लेते हैं, निफ्टी के चार्ट को भी देख लेते हैं। तो निफ्टी के चार्ट को अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि निफ्टी अपने 100 डे मूविंग एवरेज के इर्द गिर्द सपोर्ट ले रहा था। तो ये अक्सर आप देखेंगे 100 डे पे सपोर्ट दिया और वहाँ से उसने बाउंस बैक दिखाया, लेकिन अब आप देखिए जूम करके इसी चार्ट को कि निफ्टी अपने 100 का जो डेली मूविंग एवरेज था उसके नीचे अब यहाँ पे क्लोज देने लगा है। सिंस अब वो उसके नीचे क्लोज देने लगा है, अब यहाँ से एक हाई प्रोबेबिलिटी है जो इसका नेक्स्ट सपोर्ट बन के आ रहा है वो 10,280 से 10,300 के बीच में आ रहा है। यानी अगर निफ्टी 10,280 के नीचे क्लोज देने लगा अपने 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज, तो आज पहली बार खुला भी उसके नीचे था और उसके नीचे क्लोज भी दिया है, और अगले कुछ दिनों में अगर इसके नीचे रहा तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि निफ्टी का जो नेक्स्ट लॉजिकल टारगेट बन के आ रहा है वो 10,040 के अराउंड आ रहा है। मतलब यहाँ से 200 पॉइंट की स्टीप करेक्शन हो सकती है निफ्टी में, और फिर अगर ये अपने 200 डेली मूविंग एवरेज जो है उसके नीचे भी अगर ये चला जाता है तो फिर ये और नीचे यहाँ से जा सकता है। तो दोस्तों निफ्टी पे भी व्यू फुल बेयरिश है अगर वो 10,280 के नीचे क्लोज देना स्टार्ट कर दे। दोस्तों निफ्टी में आप देख सकते हैं जो वॉल्यूम हो रहा है वो भी, जो गिरावट आ रही है निफ्टी बैंक निफ्टी में वो हाई वॉल्यूम के साथ आ रही है। तो ये व्यू है बैंक निफ्टी यहाँ से 800 पॉइंट्स करेक्ट होगा अगर 200 DMA के नीचे क्लोज हुआ, और निफ्टी अगर 10,280 के नीचे क्लोज देना स्टार्ट करे तो वो सीधे 10,040 की ओर जा सकता है। दोस्तों कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। पहला स्टॉक आता है हिंडाल्को का। दोस्तों हिंडाल्को को किस सेलेक्ट किया इसको चलिए देख लेते हैं। हिंडाल्को का जो स्टॉक है, जैसा मैंने आपको बताया 200 डे मूविंग एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है, आज वो स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ही खुला और बिल्कुल ही नीचे डेज के लोज पे जाके क्लोज हुआ। अब इस कैंडल को देख सकते हैं कि डे के नीचे क्लोज हुआ है।
इसका एक जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल आ रहा था वो भी अराउंड कुछ इसी लेवल के आ रहा था। इसको थोड़ा मैं थिक कर लेता हूँ लाइन को तो आपको क्लियरली दिखेगा। तो 229.60 इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट था जिसको इसने टेस्ट किया है और 200 डे के नीचे भी गया है। दोस्तों हिंडाल को अगर यहाँ से 226-227 के नीचे क्लोज देने लगे तो सीधे जो उसका स्ट्रेट लॉजिकल नेक्स्ट जो उसका टारगेट आ रहा है वो 202 की ओर आ रहा है। तो यहाँ से अगर हिंडाल को नीचे गिरेगा तो सीधे 200 की ओर जाएगा, तो यहाँ पे हिंडाल को में एक पोजिशनल सेल बनेगा अगर वो 226 के नीचे गया। तो हिंडाल को एक ऐसा स्टॉक है जिसको आपको वॉच करना है। 200 डे के नीचे इसने क्लोज दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट बियरिश मोमेंट आया है। वॉल्यूम भी जो है वो भी काफ़ी तेज वॉल्यूम हुआ है, एवरेज जो इसका 20 डे का वॉल्यूम था उसके ऊपर ही जाके इस स्टॉक ने क्लोज दिया। तो दोस्तों इसको आपको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट जो स्टॉक लोगों ने पूछा था माइंडट्री का कि माइंडट्री में क्या करें, तो मेरी राय में माइंडट्री में निवेश नहीं करना चाहिए। उसका रीज़न मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, ये अपने स्टॉक 470 लेवल से ऑलमोस्ट 850 लेवल पे आ गया है, ऑलमोस्ट 100% स्टॉक बढ़ गया है। और कभी भी स्टॉक वन डायरेक्शन में नहीं जाता, वो रिट्रेस करता है, उसमें गिरावट आती है और बहुत ही वॉयलेंट बड़े मूव के बाद एक तगड़ी गिरावट आ सकती है। तो जो माइंडट्री का स्टॉक है वो अपने सारे ही मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे उसने जो इंट्राडे में 825 का टारगेट ब्रेक किया था, जब 825 का लेवल तो उसमें एक इंट्राडे के लिए बाई कॉल आया था। लेकिन पोजिशनली इसको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि यहाँ से एक करेक्शन भी आ सकता है जैसे ही रुपए में थोड़ी भी रिकवरी आई। तो माइंडट्री में व्यू जो है वो आपका इंट्राडे के लिए आप भले ही इसको देख सकते हैं लेकिन पोजिशनल व्यू में आप इसको बाई नहीं करना चाहिए आपको। दोस्तों अगेन मेटल स्टॉक्स पे व्यू बियरिश है और आईटी स्टॉक्स पे और फार्मा स्टॉक्स पे पॉजिटिव है। फार्मा को डिप्स भी दीजिए, सन फार्मा ने आज एक बहुत अच्छा मूव दिया है। सन फार्मा का भी एक टेक्निकल एनालिसिस लेते हैं, कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था सन फार्मा का, तो देखिए सन फार्मा में भी आप देखेंगे कि सन फार्मा भी कंटिन्यूसली अपने 200 DMA के ऊपर कुछ दिनों से चल रहा था। जब इसने पिछला जो एक वॉयलेंट मूव आया था उसको क्रॉस किया था, उसके बाद से ऊपर की ओर काफ़ी अच्छी मूवमेंट आई थी। लेकिन अब जो स्टॉक है आज वो 200 DMA के नीचे खुला लेकिन वहाँ से उसने ऊपर मूवमेंट दी है। तो दोस्तों अब यहाँ पे जो लॉजिकल सन फार्मा के लिए अगर आप देखें तो 550 का लेवल इंपॉर्टेंट है। 550 लेवल के ऊपर ये क्लोज देना स्टार्ट करता है इंट्राडे में तो ये 566-565 की ओर जाएगा और 565 के ऊपर अगर क्लोज देना है तो नेक्स्ट जो इसका टारगेट है वो 600 की ओर आएगा। तो सन फार्मा में अगेन ये 200 DMA के ऊपर आया, नीचे से ऊपर क्रॉस करके क्लोजिंग दी है, एक हाई वॉल्यूम के साथ भी इसने मूवमेंट दिया है। तो इसको आप अपने वॉचलिस्ट में रखें, इस स्टॉक को अपने ध्यान में रखें। अगर ये स्टॉक 552 के ऊपर सस्टेन करता है तभी इसमें फ्रेश बाइंग एमर्ज होगी, वरना ये वापस रिट्रेस कर जाएगा अपने पुराने लेवल की ओर। तो सन फार्मा में जो हमारा व्यू है वो कंडीशनली बुलिश है अगर वो 550 के ऊपर एक दो दिन सस्टेन करता है। दोस्तों और भी कुछ स्टॉक्स है जिसपे लोग व्यू पूछ रहे थे, उसमें से एक वोल्टास एक स्टॉक था। देखिए वोल्टास में क्या होता है कि वोल्टास अपना जो इसका ये सीज़न है जो गर्मी का सीज़न होता है तो इसमें इनके एसीज का जो इनका प्राइमरी बिजनेस है एसी का कारोबार है, उसमें वो काफ़ी अच्छा उसमें ट्रैक्शन आने की उम्मीद होती है। तो इसीलिए ये जो पूरा सीज़न है अगले एक दो तीन महीने वोल्टास के लिए अच्छे होने वाले हैं क्योंकि इसमें उसकी सेल्स काफ़ी इंक्रीज होगी और जो नेक्स्ट रिजल्ट्स आएंगे वो उनके अच्छे सेल्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो कोई भी फैक्टर जहाँ पे गर्मी तेज़ हो रही है फंडामेंटली स्टॉक के उसको आगे करता है। तो ये एक सीज़न एक टाइम है ये जहाँ पे वोल्टास का स्टॉक ऊपर मूव करता है। टेक्निकल व्यू अगर स्टॉक का लें तो स्टॉक एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन जो इसका 628-630 के पास खड़ा है, इंट्राडे में उसने मूव दी। देखिए इसमें जो पिछला जो बाउंस आया था वो ऑलमोस्ट इसके 200 DMA के पास है, मतलब 547 से जो इसने अप मूव दिया था सीधे 624 पे अब आया है और स्टॉक एक नेक्स्ट फ्रेश अप मूव के लिए तैयार होगा अगर स्टॉक कंडीशनली अगेन ये कंडीशनली अगर 628 जो इसका लेवल है उसके ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड करने लगे। तो एक बेटर टारगेट 630 के ऊपर अगर ये कंफर्टेबली ट्रेड करने लगे तो ये फिर ऊपर की दिशा में 651 और फिर उसके ऊपर 670 जो इसका 52 वीक हाई है उसके ओर जाने की चेष्टा करेगा। यहाँ पे देखिए वॉल्यूम्स जो हैं पिछले दिनों में काफ़ी तगड़े रहे हैं और ये वॉल्यूम्स इसके मूव को और साथ ही जो उसमें ओपन इंटरेस्ट में पोजीशंस बन रहे हैं वो भी इसको सपोर्ट करेंगे। तो वोल्टा स्टॉक 630 के ऊपर अपने रेडार पे रखिए और इसमें आप बाइंग पोजीशंस बना सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, आने वाले नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं निफ्टी पे और कुछ स्टॉक्स पे भी अपने व्यूज़ टेक्निकल व्यूज़ देता रहूँगा। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।